आखिर टॉर्टोइस और टर्टल्स में क्या फर्क होता है, और क्यों पहले इंडिया में सिर्फ बैठने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, और कैसे आप एक टेनिस बॉल को बस जमीन पर रख के अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, और एप्पल्स के ऊपर ऐसे स्टिकर्स क्यों लगे होते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 20। ये एक फैक्ट है कि जब भी कोई औरत आपसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही होती है तो तब वो उनका सलूशन निकालने का नहीं देख रही होती, उन्हें सिर्फ कोई चाहिए जिसे वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गूगल में काम कर रहे सभी एम्प्लॉइज में से 20% लोग ऐसे हैं जो कि कभी कॉलेज ही नहीं गए, या फिर जिन्होंने कभी कॉलेज पूरा ही नहीं किया, और इनमें से ज्यादातर लोग गूगल में काफी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और इसलिए कहा जाता है कि आपके पास डिग्री नहीं बल्कि टैलेंट होना चाहिए। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, हमें अक्सर बताया जाता है कि चूहों को चीज पसंद होता है, लेकिन ये बात सच तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। चूहों को चीज से ज्यादा मीठी चीजें पसंद होती है, जैसे कि आप अगर उनके सामने कोई फ्रूट रख दोगे तो वो चीज के बजाय फ्रूट को खाएंगे, और वो चीज को कुछ ना मिलने पर ही खाते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साल 2007 में मलेशिया के एक चोर ने वहाँ के शोरूम से 2 करोड़ की कार चुरा ली, लेकिन उस कार का पेट्रोल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उस कार को पकड़ लिया, लेकिन वो चोर उस कार की चाबी लेकर भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस कार को कस्टडी में ले लिया था, और उसी रात को आकर उस चोर ने कार में पेट्रोल डाला और उस कार को पुलिस स्टेशन से भी चुरा लिया। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, ये काफी कमाल का फैक्ट है कि जो सैंडविच आपको कोई दूसरा बनाकर देता है वो खाने में ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन जब आप अपना खुद का सैंडविच बना के खाते हो तो वो आपको उतना खास नहीं लगता, भले ही वो कितना भी टेस्टी क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब ब्रिटिश हमारी इंडिया पर राज करते थे तब एक इंडियन को सिर्फ बैठने के लिए भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था। बिना सर्टिफिकेट के किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर के ऑफिस के अंदर चेयर के ऊपर बैठा नहीं जा सकता था, और इस सर्टिफिकेट को उनको हमेशा अपने पास रखना पड़ता था, वरना उनको चेयर पर बैठने तक की बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दी जाती थी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में एक ऐसा भी गार्डन मौजूद है जो कि आपकी जान ले सकता है। इस गार्डन का नाम पॉइजन गार्डन है। दरअसल इस गार्डन में सिर्फ जहरीले पौधे ही पाए जाते हैं। यहाँ के सभी पेड़ और पौधे जहरीले होते हैं, लेकिन इस गार्डन में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका जहर सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस गार्डन के जहरीले होने की वजह से ही यहाँ किसी भी आम आदमी का आना जाना सख्त मना है, और यहाँ सिर्फ रिसर्चर्स अपनी पूरी सेफ्टी के साथ रिसर्च करने के लिए आ सकते हैं। अभी तक इस गार्डन में आकर 100 से भी ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हम इंसानों में टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और एबी ब्लड ग्रुप। लेकिन क्या आपको पता है कि जानवरों में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि बिल्लियों में 11 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और कुत्तों में 13 तरह के। लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि गायों में 800 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि हम एक ही बार में 8 घंटों की नींद नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बल्कि हमें उसकी जगह पर 4 और 4 घंटे की 2 बार नींद लेनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि हमने काम किया और रेस्ट लिया, जो कि हमारे बॉडी के लिए भी एकदम परफेक्ट है। फैक्ट नंबर 11। यूक्रेन को इस प्लेन की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। देखिए ये प्लेन कितना ज्यादा बड़ा था, और इस प्लेन का नाम एंटोनोव 225 मरिया था, और ये यूक्रेन की शान था। लेकिन ये फोटो वहाँ पर जंग शुरू होने से पहले की है। देखिए आज यूक्रेन की शान किस तरह से टूटकर नीचे गिरी हुई है, और ये वो सेम प्लेन था जिसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अपने पार्लियामेंट हाउस तो देखे होंगे जो कि कुछ ऐसे फुल्ली पैक्ड होते हैं, लेकिन ये जर्मनी का पार्लियामेंट हाउस है और ये कम्प्लीटली कांच का बना है, और अंदर क्या चल रहा है ये आप आसानी से बाहर खड़े खड़े देख सकते हो। साथ ही इसके ऊपर पब्लिक के चलने की भी जगह होती है, और ये सब इसलिए ताकि गवर्नमेंट को ये बात याद दिलाई जा सके कि गवर्नमेंट को हमेशा लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गवर्नमेंट से ऊपर पब्लिक है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आपको कभी भी काफी टेंशन हो तो इसको कम करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको एक टेनिस बॉल को लेना चाहिए और उसे जमीन पर रख के उसके ऊपर अपना पैर रखना चाहिए, और आपको धीरे धीरे अपने पैर को बॉल के ऊपर रोल करना है। इससे आपका टेंशन काफी कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि आप जितने ठंडे माहौल में सोते हो तो आपको बुरे सपने आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मोस्टली ये सपने भूतों से रिलेटेड होते हैं, और आपने भी इसको महसूस किया होगा कि ठंडे माहौल में भूत और इन सब चीजों से ज्यादा डर लगता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये दरअसल एक पूरा शहर है। अलास्का में एक टाउन है, और इस पूरे टाउन के लोग बस इस बिल्डिंग में ही रहते हैं। आप कह सकते हो कि पूरा शहर बस इस बिल्डिंग में ही रहता है। यहाँ पर साल में कई बार बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बिल्डिंग में हर एक चीज मौजूद है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, खाने की दुकान, जिम, यहाँ तक कि प्ले स्टेशन भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे पर नेदरलैंड की करेंसी ये है। इसके ऊपर श्रीराम का फोटो है और ये नेदरलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आप जानते हो कि जो चींटियां होती है वो हमेशा जगी रहती है और अपना काम करती है। एक्चुअली चींटियां कभी भी सोती नहीं है। और ये फन फैक्ट है कि जो एंट्स होती है उनके लंग्स भी नहीं होते, इसलिए उन्हें सांस लेना और छोड़ना एक ही होल से करना पड़ता है और उनकी साइज के हिसाब से उनका एयर पाइप बहुत ही छोटा होता है। फैक्ट नंबर 4, साउथ कोरिया में नवंबर में एक दिन होता है और वो भी एग्जाम के कुछ दिन पहले का, जिस दिन पूरा देश ऑलमोस्ट बंद रहता है। सारे कंस्ट्रक्शन कामों को रोक दिया जाता है, बैंक्स भी बंद होते हैं और सारे जॉब्स को छुट्टी होती है। इवन मिलिट्री ट्रेनिंग भी उस दिन नहीं की जाती ताकि बच्चों को एकदम शांत माहौल मिले और वो अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए तैयार हो सके। और इस दिन को वहाँ सन योंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अपने कई जगह रोड पर आजकल ये बैरियर्स देखे होंगे, ये येलो कलर के सर्कल बैरियर्स। ये आइडिया यूएस की कंपनी का है। पहले रास्तों के बॉर्डर्स के लिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक्सपेंसिव था और तो और एक्सीडेंट होने पर बॉर्डर से टकराने पर मौत हो जाती थी। पर इन बैरियर्स का ऐसा नहीं है, इन बैरियर्स के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला कि स्टील के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं और सेकंड फायदा ये कि इसे लगाने के बाद कई लोगों की जान बचती है क्योंकि ये स्टील से ज्यादा सॉफ्ट होता है और इम्पैक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे कम डैमेज होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कई बार आपने मार्केट में फलों के ऊपर स्टिकर लगा हुआ देखा होगा। आजकल मार्केट में खासकर सेबों के ऊपर स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इन स्टिकर्स का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को लगता होगा कि ये ब्रांडिंग के लिए यूज होते हैं, स्टिकर्स वाले सेब यानी के महंगे वाले फल। तो ये गलत है। दरअसल फ्रूट्स के ऊपर लगा हुआ स्टिकर एक्चुअल में उनका क्वालिटी इंडिकेटर होता है। आमतौर पर दो तरीके के स्टिकर्स होते हैं, एक स्टिकर जिसमें 5 डिजिट का नंबर होता है और दूसरा स्टिकर जिसमें 4 डिजिट का नंबर होता है। 5 डिजिट वाले नंबर में अगर संख्या 9 से शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि ये फल कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, और 8 से शुरू हो रही है इसका मतलब ये फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और कोड अगर 4 डिजिट का है और संख्या 4 से शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये फल कीटनाशक के साथ उगाया गया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको कछुआ दिख रहा होगा और ये जो पानी में तैरता हुआ आपको दिख रहा है ये भी आपको कछुआ लग रहा होगा। और आमतौर पर आपने पढ़ा होगा कि कछुए वेजिटेरियन होते हैं, पर ये पानी के अंदर रहने वाला कछुआ तो नॉनवेज भी खाता है। अब ऐसी कंफ्यूजन होती क्यों है, और कौन सा वाला टर्टल होता है और कौन सा वाला टॉर्टोइस, और इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो दरअसल दोस्तों सारा कंफ्यूजन इस बात से शुरू होता है कि टर्टल का मतलब होता है कछुआ और टॉर्टोइस का मतलब भी होता है कछुआ, मतलब हिंदी भाषा में इन दोनों का मतलब होता है कछुआ। टॉर्टोइस जो होता है वो जमीन पर रहता है, यानी कि टॉर्टोइस का मतलब होता है टेरिस्ट्रियल, और ये होते हैं शाकाहारी, और क्योंकि इनको जमीन पर चलना पड़ता है इसलिए इनके पैर थोड़े छोटे होते हैं। वहीं पर टर्टल होते हैं एक्वेटिक, यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, और ये सब कुछ खाते हैं, और इनके जो पैर होते हैं वो थोड़े पंखों जैसे होते हैं ताकि ये पानी में तैर सके। टर्टल्स बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और इनको शेरों से भी लड़ने में डर नहीं लगता, ये उनको भी भगा सकते हैं। और क्या आपको भी टर्टल्स अच्छे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे कमाल के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी काफी कमाल के बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।